हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनामिक यदुवंशी शो। मेरे आज के गेस्ट हैं विनय कुमार पांडे, जो कि एक आर्टिस्ट है और पलवल हरियाणा के एक स्कूल में पढ़ाते भी हैं। उन्होंने फाइन आर्ट्स में बैचलर्स और मास्टर्स किया है। मास्टर्स जब वो फाइन आर्ट्स में कर रहे थे, देन ही हैज बीन अ टॉपर एंड अ गोल्ड मेडलिस्ट। यूनिवर्सिटी लेवल पर, स्टेट लेवल पर उन्हें काफी सारे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। पैन इंडिया लगभग 65 से भी ज्यादा एग्जीबिशंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, अपना आर्टवर्क डिस्प्ले किया है। उनके कुछ आर्टवर्क लीजेंसी आर्ट गैलरी दुबई ने भी प्रोक्योर किए हैं और वहां पर उनका आर्टवर्क बकायदा डिस्प्ले पर है। काफी सारे एग्जीबिशंस में उनके आर्टवर्क को बहुत सराहा गया है और मीडिया ने उनको कवरेज भी दी है। विनय जी जब अपने आर्टवर्क के स्ट्रगलिंग डेज में स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन्होंने बाकी कुछ स्ट्रगलिंग फ्रेंड्स को, कुछ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को भी, बडिंग आर्टिस्ट को भी सपोर्ट किया था। वेरी हम्बल सोल, डाउन टू अर्थ, दुनिया के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शिकवा नहीं, कुछ भी गिला नहीं, बस अपनी आर्ट से प्यार और अपने काम से प्यार। जो भी आर्ट से प्यार करते हैं, दे मस्ट श्योरली लिसन टू दिस कॉन्वर्सेशन। लेट्स गो एंड स्टार्ट द सेशन। अच्छा विनय जी, जैसे मैं देखती हूँ आर्टवर्क है, आर्टवर्क एम एफ हुसैन साहब का भी है, बहुत सारे और भी बहुत रेनाउंड आर्टिस्ट का भी है, एंड जो उनका आर्टवर्क है उसका तो मैं कहूँ कि मतलब कोई रेंज ही नहीं, अपर एंड तो उसका है ही नहीं कोई, काफी अच्छे उनके आर्टवर्क जाते हैं। बट सर, जैसे काफी और भी काफी सारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा आर्टवर्क बनाते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अभी नाम नहीं कमा पाया है, तो उन लोग का जो आर्टवर्क का जो फाइनेंशियल्स हैं, जो उनको मिलता है, वो इतना अच्छा नहीं रह पाता इस इंडस्ट्री में, जो ये इतना ज्यादा एक कहते हैं कि एक बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एक बहुत हाई एक्सट्रीम हाई, एक नॉट सो यू नो वेरी लो। तो सर, इसको लेकर के आपको क्या लगता है, कैसे है इसको, कैसे कवर अप किया जा सकता है? इसमें सबसे जो मेन चीज है वो है फेथ, विश्वास। मतलब okay, आप सामने वाले के ऊपर जब तक फेथ नहीं होगा, जैसे मान लीजिए आप आर्ट वायर है जी, तो कोई भी आर्ट वायर आपके ऊपर तभी पैसे खर्च करेगी या पैसे लगाएगी जब उसको आपके ऊपर फेथ। मान लो आपने 2-2.5 करोड़ की पेंटिंग मेरी खरीदी और मैंने आर्ट वर्क बंद करके कुछ अपना अलग काम शुरू कर दिया अपनी, मतलब सोचा कि पैसे आ गए अब तो आर्ट वर्क क्या करना, अपना कोई बिजनेस कर। सामने वाले के अंदर ये फेथ होना चाहिए, करवाना चाहिए कि मतलब जो बंदा है वो सिर्फ आर्ट के लिए डिवोटेड, मतलब उसकी आखिरी सांस तक आर्ट में ही चलेगा जब तक ये विश्वास सामने वाले को ना मिले हर किसी। आर्ट, मेरा मानना है कि आज के समय में जो आर्ट के साथ साथ मतलब इंसान के अंदर वो विश्वास होना चाहिए जी। आर्ट में लगे रहने के लिए, मतलब सामने वाले को भी विश्वास दिलाना है कि मैं आर्ट के लिए, तब तो वो आपके ऊपर मतलब फेथ करेगा, विश्वास दिखाएगा। लेकिन आज के समय में ऐसा है कि जो भी यंगस्टर है, मतलब यंगस्टर है ना, वो मतलब कई ऐसे दोस्त हैं मेरे जो मतलब मनी पाते ही वो कुछ और काम स्टार्ट कर देते हैं, मतलब अपना काम बंद कर देते हैं। कई ऐसे दोस्त हैं मेरे जो टैटू शॉप खोल के बैठे हुए हैं, मतलब अपने आर्ट बिल्कुल बंद कर दिए, टैटू शॉप बहुत ही बड़े मॉल में टैटू शॉप ऐसे कर रहे हैं। ये चीजें मतलब दिशाहीन जाते हैं लोग थोड़ा सा जी जी जी। जो तो लोग आपके ऊपर खर्च करते हैं उनको भी डर रहता है कि हम इस पे खर्च करें ना करें जी जी, कहीं आर्ट अभी करेंगे या नहीं करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर वेस्ट हो जाएगी वो। अब ब्रांड बनना है अगर आपको, तो ब्रांड वाला काम भी तो करना पड़ेगा हमें जी। ये बात आपने बहुत अच्छी रही, अगर ब्रांड बनना है तो ब्रांड वाला काम भी करना पड़ेगा। ब्रांड क्या करती है, एक जगह पे टिकी रहती है, डटी रहती है, झंडा जो है एक बार गड़ जाता है वो हिलता नहीं है। ब्रिलियंट, ब्यूटीफुल। अच्छा, जैसे कि आपने बोला कि जैसे कई लोग डिविएट हो जाते हैं कुछ, अगर थोड़ा सा उनके आर्टवर्क में उनको मनी मिला एंड उस मनी का आगे, क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी होती है कि पता नहीं आगे उनका कोई काम लेगा या नहीं लेगा, कैसे चलेगा, फ्यूचर कुछ स्टेबल नहीं है, तो वो डिविएट हो जाते हैं, है ना? तो वो ऐसे डिविएट ना हो, इसके लिए वो कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं, आपको क्या लगता है कैसे आर्टिस्ट अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं आर्ट करने के लिए? आर्ट करने के लिए वो सबसे मेन चीज है कि आपको तो पहले अपने अंदर पेशेंस रखना है हर हाल में। जैसे आप अपनी आर्ट बनाते समय पेशेंस रखते हैं जी, जब अपना कार्य करते समय आपके अंदर एक धैर्य होता है, अपने कार्य के समय बिल्कुल अपने उसके ऊपर डिवोटेड होते हैं, अपने कार्य का ही ध्यान रखता है,
जैसे आपके रहने खाने का जो जो भी चीजें हैं, जरूरतें हैं, सारी चीजें पूरी हो रही है। जी. तो जब आपके पास सब कुछ है तो फिर हम क्यों दूसरे चीजों के लिए भागें? जी राइट. ये तो हो गया सर कि जब हमारे पास है हम क्यों भागे, ये लेकिन एक मानसिकता हो गई. आपको क्या लगता है क्या ऐसे एक्शंस कर सकते हैं जिसकी वजह से आर्टिस्ट मोटिवेटेड रहे, कुछ ऐसा अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, आपको लगता है? जी जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, एक एप्पल डेली खाओ आप, डॉक्टर को भगाओ, जी जी वैसे ही जी अगर आप अपने जीवन में मतलब ये बना लो कि मुझे हर हाल में एक पेंटिंग करना ही करना है, ये बहुत बढ़िया बात की, हर हाल तो में एक इसको पेंटिंग हाँ करना ही करना है. जी बिल्कुल, कि हमें कुछ मिले ना मिले इससे हमें अपनी पेंटिंग करनी, एक पेंटिंग हमें हर हाल में करना है। जी 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 राइट, ब्यूटीफुल. उससे वो आर्ट की तरफ जो उनकी जागरूकता है, जो उनका प्यार है, डेडिकेशन है, वो बना रहेगा अगर वो रोज एक पेंटिंग में लगे रहेंगे तो रंग उनको बांध के रखेंगे. जी जी ब्यूटीफुल.